हेलो हाय ट्रेडर्स, आज हम इस वीडियो में कुछ इंट्राडे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो कि कल के दिन अच्छा मूव दिखा सकते हैं, और ये एनालिसिस हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो पहला स्टॉक है आपका मैक्स फाइनेंशियल। अगर हम मैक्स फाइनेंशियल को देखें चार्ट पे ट्रेडर्स, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ये जो आपको ग्रे लाइन दिखाई पड़ रही है, ये ग्रे लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। और यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दिखाई पड़ा है, और आज के दिन भी यहाँ से ऊपर तो गया, ऊपर तो प्राइस निकला, पर यहाँ पे हमें क्लोजिंग नहीं मिली। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ डबल बॉटम का फॉर्मेशन भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और ये नेकलाइन है। अगर नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है तो हमें एक अच्छा मूव मैक्स फाइनेंशियल में दिखाई पड़ सकता है कल के दिन। ट्रेडर्स, जो नेक्स्ट स्टॉक है आपका वो है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, जो कि है 1705 के लेवल। हम अगर इस लेवल की बात करें, इंपॉर्टेंट लेवल क्यों हो जाता है, क्योंकि इस लेवल पे स्टॉक ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है, वापस से इसी लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर इसके ऊपर प्राइस क्लोज हो जाता है तो हमें एक अच्छा मूव दिखाई पड़ सकता है। जो पहला टारगेट होगा वो होगा आपका 1720 के लेवल्स। अगर यहां से प्राइस रिजेक्शन लेता है और सेलिंग प्रेशर दिखाई पड़ता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है, तो आपको ये स्टॉक करीब इसके सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि है 1680 के लेवल्स। नेक्स्ट स्टॉक पे बढ़ते हैं, वो है आपका अरबिंदो फार्मा। अरबिंदो फार्मा अभी अपने रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, जो कि है 790 के लेवल्स। तो अगर हम देखें 790 के लेवल्स पे जब भी ये स्टॉक आता है, यहां से एक सेलिंग प्रेशर बार बार दिखाई पड़ता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। हमें इस पे एंट्री नहीं लेनी है जब तक कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है, या फिर इस लेवल पे हमें कोई रिजेक्शन देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि जिससे कि हम अनुमान लगा सके कि यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ को भी ट्रेड करने का मौका मिल सकता है, ब्रेकआउट के बाद ऊपर की तरफ आपको ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। ट्रेडर्स, अगला स्टॉक है वो है आपका इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक को मैंने कल भी कवर किया था, और यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो लेवल्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं स्टॉक के लिए, और आप देख पा रहे हैं ठीक इसी लेवल से स्टॉक रिजेक्शन लिया और हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला इंट्राडे में। आई होप आपने इस मूव को कवर किया होगा। और अभी अगर हम कल के लिए बात करें तो स्टॉक अपने सपोर्ट पे आ गया है। अगर स्टॉक आके 1410 के लेवल पे हमें कंसोलिडेट करता है या फिर कुछ बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है, तो हम इसमें लॉन्ग का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ट्रेडर्स, जो लास्ट स्टॉक है आज के लिए वो है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम मेरे रडार पे काफी दिन से है, मैंने कल भी स्टॉक को कवर किया था, क्योंकि हम देखें यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है और स्टॉक कंटिन्यूअसली अपने लोअर हाइज बनाते हुए जा रहा है। अगर हम देखें तो अभी तक ना इसने ऊपर के लेवल को ब्रेक किया है और ना ही नीचे के लेवल को ब्रेक कर रहा है। तो ट्रेडर्स, जिस तरफ भी ये स्टॉक निकलेगा उस तरफ आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। ट्रेडर्स, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है। अगर ट्रेडर्स ये वीडियो आपकी तरफ पहुंच रही है, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें।